पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने अपने नए कप्तान का स्वागत भले ही फूल मालाओं के साथ किया हो, लेकिन शहर के चोरों ने नए एसपी का वेलकम लाखों की चोरी से किया। वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र के दीक्षितपुरा गुरु तिराहा पर स्थित दुर्गा मंदिर में हुई, जहां अज्ञात चोरों ने चैनल गेट के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और इत्मीनान से माँ दुर्गा की प्रतिमा पर चढ़े सोने चांदी के जेवरात व अन्य कीमती वस्तुएं पार कर दी। हालांकि मंदिर में रखे 4 किलो वजनी चांदी के जेवर चोरों के हाथ नहीं लग सके। सिविल लाइन्स स्थित उपहार अपार्टमेंट के 27 लोगों के नाम बने बीपीएल राशन कार्ड सरेंडर कर दिए गए हैं, लेकिन ये कार्ड बनाए किसने और अब तक ऐसे कार्डधारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस मामले पर एसडीएम उमती की ओर से खाद्य विभाग को पत्र लिखा जा रहा है। इस पत्र में आगे की जाँच कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा। जन लोकपाल की मांग को लेकर बुधवार को अन्ना समर्थक नगर की इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टीम ने धरना दिया। इस दौरान जेडीए पार्क में एक बार फिर बड़ी संख्या में अन्ना समर्थकों का हुजूम उमड़ा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले जेडीए पार्क में अन्य सामाजिक संगठन भी जमा हुए। इस अवसर पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं ने तमाम जन संगठनों व जागरूक नागरिकों को देश हित में आगे आकर प्रारंभ हुए इस अनिश्चितकालीन अनशन स्थल पर भागीदारी देने की अपील की। बीती रात हुई तेज बारिश से शहर और आसपास के इलाकों में बने छोटे बड़े सभी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। बुधवार की सुबह 9 बजे मारोताल के सूरतलाई गांव में आगे स्थित बिलखरवा गांव के उफनाते नाले में एक 10 वर्षीय बालक बह गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में बालक की तलाश शुरू कर दी। मारोताल पुलिस ने बताया कि बिलखरवा निवासी राम सहाय नट के 10 वर्षीय पुत्र मोनू बुधवार की सुबह करीब 9 बजे घर के समीप बने नाले के पास खेल रहा था। खेलते खेलते मोनू नाले पर बनी पुलिया पर पहुंच गया। नाले का पानी पुलिया के ऊपर से तेजी से बह रहा था। मोनू खुद को नहीं संभाल पाया और देखते ही देखते वो तेज बहाव में बहता चला गया। घटना के वक्त मौके पर गांव के कई बच्चे और युवक मौजूद थे, लेकिन कोई भी मोनू को नहीं बचा सका। सूचना मिलने पर पुलिस ने नाले के आगे वाले हिस्सों पर उसकी तलाश शुरू की। देर शाम तक मोनू का कोई सुराग नहीं लग पाया था। नगर निगम द्वारा सीवर लाइन के ठेके में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोन कार्यालय का घेराव किया। सैकड़ों कांग्रेसी पैदल मार्च करते हुए संभागीय कार्यालय क्रमांक 5 पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को दफ्तर के भीतर बंद कर दिया। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम महापौर से एलएनटी कंपनी को दिए गए 374 करोड़ रुपए के ठेके का हिसाब मांगा है। गढ़ा पुलिस द्वारा गुप्तेश्वर क्षेत्र की 3 कांग्रेस नेत्रियों की गिरफ्तारी करने पर बुधवार को दिनभर बवाल मचा रहा। पुलिस ने 3 नेत्रियों की गिरफ्तारी के पीछे क्षेत्रीय विधायक हरिमजीत सिंह बब्बू के घर पर जबरदस्ती घुसकर तालाबंदी करने और चौकीदार को धमकाने का आरोप बताया है। जबकि कांग्रेस का आरोप है कि ये 3 नेत्रियां वार्ड की समस्याओं के संबंध में विधायक बब्बू को ज्ञापन सौंपने गई थी, लेकिन श्री बब्बू ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। वहीं विधायक बब्बू ने कांग्रेसियों के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक में हिंदू भगवान की अपमानजनक फोटो एक युवक द्वारा अपलोड करने पर हर तरफ विरोध किया जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए माली चौक में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा पुतला दहन किया गया। बताया गया कि लक्ष्मण जॉनसन नामक इस युवक ने जो कृत्य किया है वो अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। उसके कृत्य से हिंदू समाज आहत हुआ है। इसके साथ ही अभी तक प्रशासन द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही चित्र को हटवाया गया है। छात्रा के साथ अश्लीलता करने वाले प्राध्यापक के खिलाफ छात्र छात्राओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को एसयूआई कार्यकर्ताओं ने मानपुर बाई कॉलेज में धावा बोला। छात्र कॉलेज के भीतर घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिसका विरोध पुलिस ने किया। इस बीच दोनों के बीच हल्की झूमा झटकी हुई। उधर अंतर भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंप कर दोषी अध्यापक के निलंबन की मांग की है। जानकारी के अनुसार कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर जेएस दुबे पर कथित रूप से एक छात्रा से अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में 2 अगस्त रक्षाबंधन के अवसर पर जेल में निरुद्ध भाइयों से मुलाकात के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी केवल माताओं एवं बहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। मुलाकात का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इस समय पुरुषों का जेल परिसर में पूर्णतः प्रवेश निषिद्ध रहेगा। सेठ गोविंदास विक्टोरिया जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से ठेकेदार के सफाई कर्मचारी ने बीती रात टीवी चुराया और सीसीटीवी कैमरे में फोटो कैद होने के बाद उसे ब्लड बैंक में टीवी वापस रख दिया। जिला अस्पताल के सफाई ठेकेदार के कर्मचारी रोहित की ब्लड बैंक के तकनीशियन से पिछले दिनों झड़प हो गई। उसके बाद बीती रात सफाई कर्मचारी ने ब्लड बैंक से टीवी चुरा लिया। इससे वो तकनीशियन परेशान हो गया। उसने मामले की जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर अजीत दुबे को दी। सिविल सर्जन एवं अन्य डॉक्टरों ने सीसीटीवी कैमरे में बीती रात की गतिविधियों की जब पड़ताल की तो रोहित को ब्लड बैंक से टीवी उठाते हुए कैमरे में देखा गया। इसकी जानकारी उन्होंने ठेकेदार को दी तो उसने टीवी वापस करवाया। सांसद राकेश सिंह ने बरेला क्षेत्र में पौधारोपण किया। जल रक्षा अभियान में लिए गए संकल्प के तहत लगभग 300 पौधों का रोपण किया गया है। साथ ही पहाड़ी पर बांस के बीजों का भी छिड़काव किया गया। इस मौके पर सांसद राकेश सिंह ने कहा कि तेजी से गिर रहे भूजल स्तर पर सभी वैज्ञानिक
भयानक जल संकट की ओर आगाह कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा। प्रकृति के बिगड़ते संतुलन को बचाने के लिए सिर्फ जनप्रतिनिधियों और सरकार के भरोसे रहना ठीक नहीं है, इसमें सभी की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से पिछले वर्ष भी 15 दिवसीय जल रक्षा पदयात्रा की थी। रमजान के चौथे रोजे और सूफी संत हजरत बाबा मुल्ला जमालुद्दीन शाह सालाना उर्स के मौके पर रोजा अफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में रोजेदारों ने शिरकत की। इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज अदा की गई और दुआएं की गई। इसके पहले कुरान ख्वानी से उर्स का आगाज किया गया और जोहर की नमाज के बाद पुराना पुल गोहलपुर से गागर जुलूस निकाला गया। जुलूस का समापन मदा टेकरी स्थित दरबार जमाली में हुआ, जहां रोजा इफ्तार का अहतमाम किया गया। इसके बाद रात 10:30 बजे से सूफियाना कव्वाली का आयोजन किया गया। हिरन नदी स्थित रस्ते के पानी में डूबने के बाद भी वाहनों की आवाजाही जारी है। यात्रा बस, भारी वाहन हो या पैदल राहगीर, सभी जान को जोखिम में डालकर रस्ते से आ जा रहे हैं। बेखौफ चल रहे इस मौत के खेल से सभी अनजान हैं। वहीं शासन प्रशासन की खामोशी खतरनाक साबित हो सकती है। देश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में पहचाने जाने वाले भेड़ाघाट की हरी भरी वादियाँ अब भूमाफियाओं की नजर में चढ़ने के बाद अपनी पहचान खोने के कगार पर है। पिछले कुछ ही दिनों में नगर पंचायत भेड़ाघाट एवं इसके आसपास के इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर फार्म हाउस बनकर खड़े हो गए। किसानों की जमीनों को कम दामों में खरीद कर नर्मदा तटों से कटाकर ये फार्म हाउस बना दिए गए हैं। गौरतलब है कि नदी एवं पर्यटन स्थलों के संरक्षण को देखते हुए शासन ने पूर्व में नदी तट से 200 किलोमीटर की दूरी पर निर्माण कार्य करने की अनुमति दी थी। इसके बाद इस नियम में संशोधन कर ये दूरी 300 मीटर कर दी गई। बताया जाता है कि भेड़ाघाट नगर पंचायत द्वारा जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, उन सभी ने इस नियम का उल्लंघन किया है। बीती शाम से ही बादल छाए रहे और बरसने का इंतजार रात 1 बजे पूरा हुआ। कुछ देर की रिमझिम के बाद अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई। सुबह 8:30 बजे तक कुल 63.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी, जो 2.59 इंच होती है। इस प्रकार अब तक शहर में 746 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है, जो 29.37 इंच होती है। वहीं बंगाल की खाड़ी में 27 जुलाई तक नया सिस्टम तैयार हो जाएगा, जिससे बारिश का नया सेशन फिर से शुरू होगा। वहीं दिन का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड।